आज इन GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले से तकरीब हुई है। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीन के सफीर आला अस्करी हुकाम की शिरकत। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं राना शहजादुसलाम से। जी राना शहजादुसलाम, अपडेट कीजिएगा। काशिफ आईएसपीआर के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह की तकरीब हुई। इस मौके पर चीफ गेस्ट चीन के पाकिस्तान में सफीर और चीनी आला सफारती हुकाम ने तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्ला अफवाज के आला हुकाम ने भी तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई गैर मामूली हैं और हर तरह के मुश्किल हालात में दोनों ब्रादर मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं और इसके अलावा दोनों मुल्कों की मुसल्ला अफवाज के दरमियान जो फौजी सतह पर तावुन है वो दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान एक आहनी जो ताल्लुक है उसको भी उजागर करता है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीन के पाकिस्तान में सफीर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस तकरीब की मेजबानी करने पर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने हमेशा आगे बढ़कर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग में हिस्सा लिया है और इस हवाले से पाकिस्तान की मुसल्ला फौज और कौम ने मुल्क में क्याम अमन और इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इस दहशतगर्दी की जंग में मुकम्मल तौर पर साथ खड़े हैं और ये एक पुख्ता यकीन रखते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान और चीन की जो एक आहनी दोस्ती है उसको उसमें कोई दरार नहीं डाल सकती। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुसलाम, आप अपडेट कर रहे थे।